तो भाई लोग कैसे हो यार। आप लोगों को तो थंबनेल फंबनेल देख के पता चल चुका होगा कि वीडियो के अंदर एडिटिंग किस तरह का होने वाला है। तो हाँ गाइस, एडिटिंग सीखने के लिए जो है वीडियो को कंप्लीट देखना है। एंड गाइस, ये विजय मार का हॉर्स कोर्स है, आर्ट वर्क है, एंड मैंने थोड़ा सा कुछ अलग करा है एडिटिंग में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है एडिटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो गाइस वीडियो कर देना एक लाइक, एंड गाइस वीडियो को पूरा वॉच करते रहिए। तो मैंने जो है बैकग्राउंड अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में यहाँ पे ओपन कर लिया है, एंड बैकग्राउंड ओपन करने के बाद ऐड करूँगा अपने मॉडल को। तो यहाँ पर जो है विजय मार का मुझे ये वाला फोटो एडिटिंग मिला था जो इंस्टाग्राम पे था, तो मैंने इसका जो है मॉडल ले लिया, यूज़ कर लिया फोटो एडिटिंग में। तो गाइस इसका जो है मैंने कटआउट निकाल लिया। आप लोगों को भी इसी तरीके से एक पोज बना लेना है भागने का, दौड़ते दौड़ते कोई से भी आप फोटो क्लिक कर लेना, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है इस तरीके से मैं कटआउट कर रहा हूँ। और गाइस मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि कटआउट टूल से अपना बैकग्राउंड इरेज मत करना, वो तो मैं आप लोगों को वीडियो में सिखाने के लिए बता रहा हूँ। आप लोग जो है फ्री क्रॉप का यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड इरेज करने का, या फिर आप ड्रॉ टूल में इरेज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों गाइस, कटआउट टूल से क्या होता है क्वालिटी डाउन हो जाती है फोटो की थोड़ी सी। तो यहाँ पर जो है मैं वीडियो में सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है रिकमेंड करूंगा कि मत करना कटआउट टूल का यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने कटआउट कर लिया है, एंड सिंपल से यहाँ से सेव करूंगा। तो गाइस पहले देख लेते हैं हमारा बैकग्राउंड अच्छे से इरेज हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आई वाला बटन है, देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा हमारा जो है बैकग्राउंड इरेज हुआ है कि नहीं। तो ये हम आई वाले बटन पर एक बार क्लिक करते हैं, एंड देख सकते हो बैकग्राउंड हमारा काफ़ी अच्छे से इरेज हो चुका है। अब हमने सेव कर लिया, एंड यहाँ पर जो है अपने मॉडल को बैकग्राउंड के ऊपर इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। और गाइस यहाँ पे एडजस्ट काफ़ी अच्छे से करना है कि ना आ जाएगा गाइस आपके पीछे वाले घोड़े से बड़ा लगे आपका मॉडल, ना ही छोटा लगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लेना आप, एंड सिंपल एडजस्ट करने के बाद यहाँ से डन कर लेना। अब गाइस डन करने के बाद हम जो है एक ऐड करेंगे सॉइल की पीएनजी, ठीक है। सॉइल की पीएनजी गाइस जो नीचे में आपको ये इमेज में दिख रहा है ना, वही समझ लो मैंने पीएनजी बनाया, ठीक है, क्रॉप करके। तो गाइस उसी को ऐड कर लेना है, एंड ऐड करने के बाद इसे नीचे में इस तरीके से आपको लगाना है जूम करके। एंड गाइस इसे लगाने के बाद इसका ब्लेंड मोड जो रहेगा आपको डार्केन कर देना रहेगा, ठीक है। डार्केन करना गाइस और कुछ नहीं, यहाँ पर डार्केन करने के बाद देख सकते हो तो हमारा सॉइल का पीएनजी काफ़ी परफेक्ट यहाँ पे लग रहा है हमारे फोटो के ऊपर, बिल्कुल भी फेक नहीं लग रहा। एंड जो है सिंपल इतना लगाने के बाद यहाँ से ऐड कर लूँगा डन। अब गाइस यहाँ से डन करने के बाद अब आपको करना है क्या है, यहाँ पे देखो गाइस गौर से, यहाँ पर मैं तीन पीएनजी जो है ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। एक है गाइस सनलाइट की पीएनजी, एक है स्नोफॉल की पीएनजी, एक है गाइस आंधी की पीएनजी, मतलब हवा हवा चलता है ना एयर, तो उसका पीएनजी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एयर का पीएनजी हमने उसे ले लिया है, एंड इसका जो इस तरीके से आपको पोजिशन सेट करना है अपने फोटो के ऊपर, एंड इसका जो ब्लेंड मोड रहेगा आपको स्क्रीन कर देना रहेगा। और ये सेट करने के बाद अब सेकंड पीएनजी जो हम ऐड करेंगे यहाँ पर सनलाइट की पीएनजी, ठीक है। तो सनलाइट की पीएनजी को हम ऐड करेंगे और इसका भी जो ब्लेंड मोड रहेगा हम स्क्रीन करेंगे पहले, एंड स्क्रीन करने के बाद इसे हम साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है। आधे में सेट करना है, पूरा मतलब यहाँ पर मत करना, थोड़ा सा बड़ा करके आधे में रखना। एंड यहाँ पर अब थर्ड नंबर पर हम स्नोफॉल की पीएनजी ऐड करेंगे। तो गाइस ऐसा लगेगा ना कि बारिश भी आ रहा है एंड आंधी भी आ रहा है, तो ऐसा लगेगा, थोड़ा सा फोटो में इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आपको ऐड करना है, एंड ऐड करने के बाद इरेजर में आना है गाइस। स्नोफॉल की पीएनजी को हमें ऊपर में यहाँ पे शरीर के ऊपर से हमारे आ रहा है ना, वहाँ से इरेज कर लेना है, ठीक है। अपने गाइस यहाँ पे नहीं रखना, सिर्फ बैकग्राउंड में आपको देना है आसमान की तरफ, ठीक है, और कहीं पर आपको ये इफेक्ट नहीं देना ज़्यादा। एंड सिंपल यहाँ से डन कर लेना है। अब गाइस डन करने के बाद हमारा पिक्सआर्ट में यहाँ पे वर्क कंप्लीट होता है। आप चाहो तो गाइस यहाँ पे लोगो वगैरह ऐड कर सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। फिर चलेंगे गाइस हम लाइटरूम एप्लीकेशन में, वहाँ पे जो है परफेक्ट एकदम रिटचिंग देंगे फोटो को, जिससे कि एकदम भाई क्या गजब का फोटो बन जाएगा। तो गाइस चलिए अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में चलते हैं। सो गाइस लाइटरूम में आने के बाद सबसे पहला हमारा वर्क होता है यहाँ पे लाइट एडजस्टमेंट करना। तो गाइस यहाँ पे लाइट एडजस्टमेंट हम दो तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं, एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को जो है रिकमेंड करूँगा कि ऑटोमेटिक करा ही करें, जिससे कि गाइस कुछ भी मतलब कि आप लोगों को उतना ध्यान नहीं देना पड़ता है, ऑटोमेटिक भी काफ़ी बेस्ट हो जाता है, ठीक है गाइस। तो अब चलिए यहाँ पे कलर्स वाले ऑप्शन में, एंड कलर्स वाले ऑप्शन में आने के बाद इसके अंदर हम सैचुरेशन को कर लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कम, यहाँ पे अराउंड यहाँ पे 10 के करीब, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हम टेम्परेचर जो फर्स्ट नंबर में मिलेगा उसे हम इंक्रीज़ करेंगे 6। एंड यहाँ पे चलेंगे मिक्स टूल में। अब मिक्स टूल में आने के बाद हम यहाँ पे दो तीन कलर को छेड़छाड़ करेंगे, ज़्यादा कलर नहीं। तो
तो यहाँ पे फर्स्ट हम रेड कलर पे देख लेते हैं। रेड कलर का जो हमारा सेचुरेशन रहेगा उसे थोड़ा सा हमें माइनस करना है 20 के करीब। एंड यहाँ पे ब्लू कलर पे अब चलेंगे। अब ब्लू कलर पे गए से यहाँ पर जो हमें ह्यू को यहाँ पे माइनस में लेके जाना है इतना 50 के आसपास। एंड सेचुरेशन को भी माइनस में लेके जाएंगे हम यहाँ पे 50 से ज़्यादा ही कर लेते हैं, यहाँ पे 65 कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है सिंपल अब यहाँ से येलो कलर पे पहले चलते हैं। अब येलो कलर का हमें थोड़ा सा सेचुरेशन यहाँ पे हमें माइनस करना है, हल्का सा बिल्कुल करना है येलो कलर का, ठीक है 10%। एंड ऐसे सिंपल आप डन करेंगे। अब गाइस डन करने के बाद चलेंगे यहाँ पे क्लियरिटी वाले ऑप्शन में और क्लियरिटी बढ़ाएंगे गाइस यहाँ पर हम करीबन इतना 15% बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे 15% बढ़ाने के बाद विगनेट को भी हल्का सा माइनस करेंगे और यहाँ पे चलेंगे शार्पनिंग थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे और ये हमारा फोटो फुल एकदम प्रॉपर एकदम रिटचिंग हो गया। तो गाइस आप दिखा दूँ आप लोगों को बिफोर एंड आफ्टर क्या रिजल्ट मिला है। ये देख सकते हो तो गाइस बिफोर का हमारा नॉर्मल फोटो था एंड रिटचिंग के बाद ये रिजल्ट मिला है। तो गाइस देख सकते हो तो कितना ज़्यादा यार हमें मतलब कि अलग से लुक आ गया है फोटो के अंदर, ठीक है। तो यार देख सकते हो तो कितना ऑसम सा एकदम लग रहा है फोटो। तो आई होप कि आप लोगों को भी एडिटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। तो पसंद आ रहा है तो गाइस वीडियो को करना एक लाइक, यार ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोगों से बार बार मैंने बोल दिया लाइक करने को, तो कोई नहीं यार एक लाइक कर देना, ठीक है। और गाइस वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। और गाइस चलिए ऐसी किसी नेक्स्ट एडिटिंग वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।